दिव्य हिंदी अकोला की टॉप 10 न्यूज। अकोला रेलवे पुलिस ने पकड़े हवाला के 43 लाख रुपए। अकोला रेलवे पुलिस को गुप्त जानकारी मिली कि अकोला का एक व्यक्ति रात 9 बजे विदर्भ एक्सप्रेस ट्रेन में लाखों रुपए का हवाला एक अज्ञात व्यक्ति को सौंपने वाला है, लेकिन वो ऐसा कुछ कर सके उससे पहले ही अकोला रेलवे पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और लाखों रुपए की धनराशि भी जब्त कर ली। अकोला शहर की प्रमुख सड़कों तथा अन्य परिसरों में सड़कों के किनारे ही सालों से पड़े पुराने वह कबाड़ वाहन हटाने को लेकर मनपा की ओर से बार बार नोटिस जारी किए गए। अंत मंगलवार से वाहन जब्त की कार्रवाई आरंभ हुई। बुधवार को अलग अलग परिसरों से 7 वाहन जब्त किए गए। इस कार्रवाई में अतिक्रमण अधिकारी और पुलिस कर्मचारी भी उपस्थित थे। विविध मांगों को लेकर वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से बुधवार को मनपा कार्यालय के सामने धरना आंदोलन किया गया। इस दौरान आयोजित सभा को पार्टी के पदाधिकारियों ने संबोधित किया। इस दौरान आरोप किया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2020 तक सभी को आवास देने के भाजपा के आश्वासन झूठे साबित हुए हैं। अकोला महानगरपालिका भ्रष्टाचार से घिर गई है। सत्ता पक्ष पर भ्रष्ट कारोबार का आरोप करते हुए वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से बुधवार को महानगरपालिका पर मोर्चा निकाला गया। मनपा के सामने सैकड़ों की संख्या में उपस्थित महिला पुरुषों के साथ वंचित ने धरना आंदोलन किया। सड़क पर बैठकर जोरदार नारेबाजी करने के बाद मनपा का मुख्य द्वार तोड़कर जबरन प्रवेश किया गया। संभाग के 5 जिलों में पिछले कुछ दिनों से अटकी कोरोना प्रतिबंधक वैक्सीनेशन को अब फिर से गति मिली है। 17 अगस्त की शाम तक विभाग में करीब 37,06,993 लोगों ने वैक्सीनेशन का लाभ लेने का दर्ज स्वास्थ्य उप संचालक कार्यालय ने किया है। अमरावती, अकोला, बुलढाणा, वाशिम और यवतमाल, इन 5 जिलों में मंगलवार को वैक्सीनेशन मुहिम फिर से आरम्भ हुई। अकोला महानगरपालिका क्षेत्र में पिछले कुछ महीनों से अनियमित जलापूर्ति हो रही है। वहीं बार बार महान स्थित जल शुद्धिकरण केंद्र पर तकनीकी खराबी आ रही है। बुधवार को पुराने 25 एमएलडी जल शुद्धिकरण केंद्र पर शॉर्ट सर्किट की वजह से पंप खराब हो गया, जिससे जलापूर्ति बंद हो गई। विगत वर्ष की तरह इस वर्ष भी कोरोना संक्रमण को देखते हुए तथा कोरोना की संभावित तीसरी लहर के खतरे से बचाव के लिए प्रतिवर्ष श्रावण महीने में आयोजित होने वाली श्री क्षेत्र धारगढ़ की सोमवार की यात्रा जटाशंकर तथा मांगेरी महादेव मंदिर दर्शन रद्द किया गया है। अमरावती के जिलाधिकारी जी ने इस संदर्भ में आदेश भी निकाला है। नई मुंबई के कौशल विकास रोजगार व आयुक्तालय की ओर से जिले के युवक तथा युवतियों के लिए शुक्रवार 20 अगस्त को दोपहर 3 से 4 इस दौरान यूपीएससी एमपीएससी स्पर्धा परीक्षाओं का ऑनलाइन मार्गदर्शन वेबिनार आयोजित किया गया है। इस वेबिनार में सातारा जिले से उप जिलाधिकारी सोपान टोपे जी भी उपस्थित रहेंगे। अकोला परिवहन निगम में ज्यादातर डिपो फिलहाल डीजल संकट से जूझ रहे हैं। बसों की फेरियां बंद करनी पड़ रही है। इस बीच जिले में डीजल की आपूर्ति सुचारू होने से सभी शेड्यूल चलाए जा रहे हैं, लेकिन यात्रियों के अभाव में परिवहन निगम की आय पर असर हुआ है। ब्रेक द चेन के अंतर्गत बसें शुरू होकर भी यहाँ की डेपो को उसका फायदा नहीं मिल रहा है। अमरावती के राजापेट पुलिस स्टेशन के लॉकअप में 24 वर्षीय सागर ठाकरे ने की खुदकुशी। खुद के शरीर के कपड़े उतार कर उसी से लगाई फांसी। नाबालिग युवती को भगाने के आरोप में फिरोजपुरा पुलिस ने नाबालिग युवक को गिरफ्तार किया था। दोनों अमरावती से पुणे भागे थे। यह शिकायत लड़की की मां ने लिखवाई थी। दिव्य हिंदी न्यूज। हम सिर्फ जानकारी देने का ही कार्य नहीं करते हैं, बल्कि हम लोकशाही के चौथे मजबूत आधार स्तंभ की भूमिका निभाने का भी कार्य करते हैं। देश और दुनिया की आने वाली सभी ब्रेकिंग न्यूज से हमेशा अपडेटेड रहने के लिए अभी दिव्य हिंदी न्यूज के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। धन्यवाद।